बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको बताता चलूं कि अस्सलाम वालेकुम, आपको बताता चलूं, अगर आप लोग ट्रांज़िट वीज़ा लेते हैं दुबई का, तो आप लोगों को जो है वो यहाँ तो एमरेट्स एयरलाइन से लेना पड़ेगा ट्रांज़िट वीज़ा 2 दिन का, 3 दिन का, या फिर आपको इतिहाद एयरलाइन से लेना पड़ेगा, या एयर ब्लू से आपको मिल सकता है। तो ये 2 दिन का लें, 3 दिन का लें, क्योंकि बहुत से लोग यूरोप जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो ट्रांज़िट वीज़ा लेते हैं, वो कहते हैं 2-3 दिन हम दुबई भी घूम लेंगे। तो बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थी, आप लोग ले सकते हैं और वहाँ पे जाके घूम भी सकते हैं और अपना ख्याल रखें। और अबू धाबी का नाल, क्योंकि अबू धाबी ने क्वारंटाइन का शर्त रखी हुई है, तो बहरहाल दुबई का शारजा इन्होंने नहीं रखी हुई, तो जाने से पहले आप फिर भी जो है आप लोग टिकट ट्रांज़िट वीज़ा लेते हैं उससे फिर भी आप कन्फर्म कर लीजिएगा कि फिर भी जो है वो कोरोना का टेस्ट जो है वो लाजिम होगा, और वही 96 घंटे से पहले पहले कहो। तो ये सारा कुछ आप पूछ लीजिएगा, ये ना हो कि वहाँ जाते जाते रूल चेंज हो गए हो तो फिर आपको परेशानी हो। हमारे डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का लिंक मौजूद है, नया चैनल क्या वो लिंक मौजूद है, उस लिंक को क्लिक करेंगे हमारे चैनल में पहुँचेंगे। उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, विज़िट भी करें, और अगर इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम।